हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माही, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस वॉश का रिव्यू शेयर करूंगी। समर्स में सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से पिंपल्स और एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं, इनलार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑयली स्किन वालों को समझ नहीं आती कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लें, ऐसा कौन सा फेस वॉश लें, उनके फेस पर इतना ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है, ऑयल की एक पूरी लेयर बनी हुई होती है, उसको भी रिमूव करें और इसके साथ साथ एक्नी और जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करें, और जो इनलार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उनको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करें। सो मैं आपके साथ एक ऐसा फेस वॉश शेयर कर रही हूँ जो ये सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। ये तीनों प्रॉब्लम्स जिनको भी हैं, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन है और जिनको इनलार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये तीनों चीज़ें ट्रीट होंगी इस एक फेस वॉश से। ये है एलाइट फेस वॉश और ये मेडिकेटेड है। तो ये फेस वॉश जिनकी ऑयली स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो वो ये फेस वॉश यूज़ मत करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर सकता है। और ये इस तरह से थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा, थोड़ा जेल टाइप फेस वॉश है, बट ये काफ़ी अच्छी लेदर बनाता है। अच्छा, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है, तो ये आपकी एक्नी को भी प्रिवेंट करेगा, न्यू एक्नी भी बनने नहीं देगा, आपके पोर्स में डीपली जाकर उनको अच्छे से क्लीन करेगा, एंड इंस्टेंटली आपका फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप भी फील होगा, आपके फेस पर से एक्स्ट्रा ऑयल जो आता है उसको रिमूव करेगा। ओवरऑल इट्स अ गुड फेस वॉश। अच्छा, अब आपने इस फेस वॉश को यूज़ कैसे करना है? जो नॉर्मल तरीका होता है फेस वॉश करने का, उस तरीके से आपने इसे नहीं यूज़ करना। मोस्टली जिन फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है उनको आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है अपने फेस पर। आपने अपना फेस वेट किया, इसकी अमाउंट अप्लाई की अपने फेस पर, उसको 2 से 3 मिनट तक आपने अपने पूरे फेस पर अच्छे तरीके से मसाज करना। 2 से 3 मिनट तक पूरे फेस पर अच्छे तरीके से फेस वॉश से मसाज करेंगे, उसके बाद फिर आपने ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेना है। आप देखेंगे कि इंस्टेंटली आपका फेस जो है वो कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, आपके पोर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, कोई एक्सेसिव ऑयल अगर है तो वो आपका रिड्यूस होगा, और इंस्टेंटली आपकी स्किन जो है वो भी थोड़ी सी ब्राइटन अप होगी। एंड यू कैन सी कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, और इसके बाद ही मैं आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ कि ये कितना अच्छा फेस वॉश है। इट्स अ मेडिकेटेड फेस वॉश, तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और इसकी प्राइस रेंज जो है वो 1200 है। लिटरली ये वाला फेस वॉश जो है ये बहुत अच्छा है, जिनकी ऑयली स्किन है स्पेशली, या फिर एक्नी प्रॉन स्किन है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बाकी जिनकी भी ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन है, अगर ये वाला फेस वॉश आपने यूज़ नहीं करना, तो वो फेस वॉश चूज़ करें जिनमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है। ये वाला जो फेस वॉश है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें कोई भी हार्श किस्म की फ्रेग्रेंस ऐड नहीं है, ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, एंड ओवरऑल इट्स अ गुड फेस वॉश। ये आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।